मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र बना रही वचन पत्र समिति ने कांग्रेस सरकार बनने पर फायर सेफ्टी कानून और पब्लिक रिकॉर्ड कानून बनाने की घोषणा की है। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय दुबे ने आज भोपाल में संयुक्त पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की। दोनों नेताओं ने सतपुड़ा भवन अग्निकांड को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने सतपुड़ा भवन की आग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और शिवराज सरकार को 50% करप्शन वाली सरकार ठहराते हुए जांच पड़ताल को लीपापोती की कोशिश बताया। जो विषय है ये संदेहास्पद है, भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है और पड़ते खुल रही, और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में ये शुभार्थ गूंज रहा है। ये तो 50% की सरकार है, कर्नाटक में 40%, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तो एक कदम आगे चलने की आदत है, 50% करप्शन में सर। तो जो मैंने शुरू में कहा कि एक घोषणा मैं करना चाहता हूं और कई घोषणाएं तो मैं अपने आप कर रहा हूं, मैं समाधान नहीं करते कांग्रेस की सरकार बनते ही, और इसका कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। हम मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फॉर द स्टेट विद कानपुर की सरकार बनते ही लाए, ये आज तक ये कानून नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश में। अभी शायद शिवराज जी ने 2-3 दिन पहले कुछ घोषणा की, उसमें भी उसमें भी शायद जनाले वगैरह बनाने की बात हुई है, बिल के रूप में कानून के रूप में पहल और हल करने की दिशा में उनकी घोषणा नहीं।